हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्सिंग नोएडा। दोस्तों, रियलमी सी सीरीज़ का सफ़र रियलमी सी टू से शुरू हुआ था, अब ये सफ़र जा पहुंचा है रियलमी सी 25 तक। अगर इस तरीके से चलता रहा दोस्तों, मुझे लगता है कुछ दिनों में आप ज़रूर देख पाएंगे मार्केट में सी 200, सी 300, सी 400 में भी कंपनियों के लिए नंबर चूज करना एक कॉम्प्लिकेट काम होने वाला है। ऑल्दो आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में और अनबॉक्सिंग करते हैं रियलमी सी 25 की और बताते हैं कुछ इसके अमेजिंग फीचर्स। फ़ोन को अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा इस फ़ोन के ओवरव्यू। इसमें आपको मिलता है 6000 mAh का बैटरी, G70 का गेमिंग प्रोसेसर। अगर हम स्क्रीन साइज की बात करें, इसमें आपको मिलता है 6.5 inches का स्क्रीन, 13 megapixel का AI कैमरा एंड 8 megapixel AI का फ्रंट कैमरा, 18 watt का क्विक चार्जर, इंस्टेंट फिंगरप्रिंट सेंसर। दोस्तों, एक अमेजिंग बात है, इस फ़ोन को TUV Rhineland स्मार्टफोन हाई रिलायबिलिटी सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। लाइक व्हाट इज़ द सर्टिफिकेशन? द सर्टिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द इनिशियल 3 year स्मार्टफोन लाइफ साइकिल एक्सपीरियंस। इट्स बेस्ड ऑन TUV Rhineland। अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स का फ्रंट पार्ट में लिखा हुआ है C25 एंड अगेन ऊपर नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। और हम अगर इसके पीछे के टैग की बात करें, इसमें आपको मिलता है मेड इन इंडिया एंड कुछ इसमें डिटेल्स है कि इस फ़ोन के अंदर क्या क्या क्वांटिटी मिलने वाले हैं और हम ये फ़ोन को खोल के इसके अंदर जान पाएंगे क्या क्या है। बॉक्स के ऊपर जो इसकी प्राइस लिखी है वो है 10,999। और हम बात करते हैं हमारे पास कौन सा वेरिएंट अवेलेबल है। इसमें है 4GB 64GB वेरिएंट। और अगेन इसमें कलर की बात कर लेते हैं, वाटर ग्रे। अब हम इसको खोलते हैं फ़ोन को, बताते हैं आपको डिटेल में। ये हमने इसके पैकेट फाड़ दिया है, इसको करते हैं साइड। अगेन पुरानी पैकिंग। यहाँ पर हमें मिलता है सिम मॉड्यूल एंड अगेन यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। इसको हम साइड में रखते हैं। ये हमारे हाथ में सेल फोन है और इसको हम रखते हैं साइड में। बताते हैं इसके कुछ एक्सेसरीज के बारे में। इसके अंदर आपको दोस्तों मिलता है टाइप सी का केबल, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगेन इसमें मिलता है आपको 18 वाट का एडाप्टर जो फास्ट चार्जर है। फोन की बात करें, फोन को खोल देते हैं और इसमें देखते हैं, इसके अंदर एक मिलता है स्क्रीन प्रोटेक्शन कार्ड। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये इसका पीछे का लुक है। और पीछे आपको मिलता है एक नॉन स्क्रैचेबल पैनल, आसानी से स्क्रैचेस नहीं आएंगे। और यहाँ मिलता है आपको रियलमी का लोगो और यहाँ मिलता है आपको कैमरा। अगेन अगर हम फ़ोन के साइड की बात करें, यहाँ आपको मिल वॉल्यूम का अप डाउन का बटन, ये आपका पावर बटन। एंड अगेन अगर हम लोअर पार्ट की बात करें, ये आपका स्पीकर एंड ये चार्जिंग जैक टाइप सी है। और अगेन 3.5 mm का ऑडियो जैक। और इस साइड आपको मिलता है सिम स्लॉट। आई थिंक इसमें हाइब्रिड स्लॉट है। हाइब्रिड स्लॉट मीन्स 2 नैनो सिम कार्ड एंड 1 माइक्रो SD कार्ड। अब हम करते हैं इस फ़ोन को स्टार्ट और आपको बताते हैं डिटेल में। दोस्तों, बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की, जो है एक मीडियाटेक का G70 प्रोसेसर। ऑक्टा कोर 12nm प्रोसेसर होता है। या मैं मानता हूं दोस्तों, G70 का प्रोसेसर कोई बहुत ज़्यादा हाईटेक और कोई ये न्यू प्रोसेसर नहीं है। ऑलरेडी हम इसको कह सकते हैं एक पुराना वर्जन है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कलर्स की। मार्केट में इसके 2 कलर्स अवेलेबल हैं, वाटर ब्लू एंड वाटर ग्रे। जो हमारे हाथ में फ़ोन है ये है वाटर ग्रे। और अगर हम दोस्तों प्राइस रेंज की बात करें तो 464GB कॉस्ट करता है 9,999 एंड 4 128GB आपको कॉस्ट करता है 10,999 rupees। माइट बी कई बार इसमें ऑफर्स होते हैं, आपको 500 rupees से लेकर के 1,000 rupees तक का डिस्काउंट भी मिल जाता है कई बार। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें 2 वेरिएंट अवेलेबल है, 464 एंड 4 128। या दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बताते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, जो है एक मीडियाटेक का G70 प्रोसेसर। और इसमें ऑक्टा कोर 12nm का प्रोसेसर अवेलेबल है। अगेन G70 के प्रोसेसर काफ़ी पुराना है, मैं नहीं कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है, बट अगेन साथ में एक बजट रेंज का फ़ोन है। अगर बजट रेंज के साथ साथ हम इसको एक लाइक G70 हम कह सकते हैं कि ठीक है, काम चला लेंगे हम इससे, बट अगेन ये बहुत अच्छा प्रोसेसर नहीं है। अगर हम स्टोरेज की बात करें दोस्त, 4GB LPDDR4X का रैम होता है इसमें। और अगर हम डिस्प्ले साइज़ की बात करें, 6.5 inches का डिस्प्ले है जो 1600x720 pixel का रिजोल्यूशन होता है। अगेन हम बात करेंगे यहाँ पे कैमरे की, ये इसकी कैमरा की बैक कैमरा की फ़ोटो है। कह सकते हैं कैमरा ठीक है। ओरिजिनली अनबॉक्सिंग से पहले इसके कैमरा मैंने जनरली टेस्ट किया हुआ है, मैं इसके कुछ फ़ोटोज़ डाल दूंगा आपको वीडियो के एंड में। बताना चाहूँगा दोस्तों, कैमरा में आपको इसमें मिलता है 13 2 2 मेगापिक्सल का कैमरा।
जो कि जो प्राइमरी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है, एंड अगेन जो 2-2 के दो कैमरा हैं वो ब्लैक एंड वाइट कैमरा एंड अगेन लेंस के टाइप में यूज होता है। आई कैन से कि 2 मेगापिक्सल ब्लैक एंड वाइट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस। अगर हम बात करें इसकी फोटोग्राफी की फंक्शन की, इसमें आपको अवेलेबल होता है ब्यूटी फिल्टर, HDR, पोर्ट्रेट मोड, टाइम लैप्स, स्लो मोशन एंड नाइट स्केप। यहाँ आप देख सकते हैं टाइम लैप्स, स्लो मोशन, पोर्ट्रेट, नाइट मोड। या हम बात कर लेते हैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें 720p एंड 1080p का वीडियो पिक्सल है। एंड अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, जो कि 8 मेगापिक्सल का है, इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा, 2.2 अपर्चर। अगेन आपको अगर इसके फंक्शन की बात करें, इसमें आपको मिलता है ब्यूटी फिल्टर, पोर्ट्रेट एंड टाइम लैप्स। हम बात करते हैं फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग की, 720p एंड 1080p में अवेलेबल है। अगेन हम जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर हम चार्जर की बात करते हैं, 18 वाट का क्विक चार्जर अवेलेबल है। अगेन 6000 mAh का बैटरी है इसमें। अगर हम सिम स्लॉट की बात करें, ये आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसमें आप यहाँ आप लगा सकते हैं 2 नैनो सिम कार्ड, और ये आपका स्पेस है माइक्रो SD के लिए। अगेन ये एक एडवांटेजेस है कि आप 2 सिम एक साथ चला पाते हैं, और साथ में मेमोरी कार्ड भी, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इसके मेमोरी कार्ड को एक्सपेंड करने की, तो आप मार्केट से मेमोरी कार्ड परचेज करके इजीली फ़ोन को एक्सपेंड कर सकते हैं। हम बात करते हैं साइज एंड वेट की। अगर हम वेट की बात करें दोस्तों, इसका वेट है 210 grams। अगर हम डेप्थ की बात करें, इसका डेप्थ है 9.6 mm। अगेन हम बात करते हैं इसके सेंसर के, इसमें आपको मिलता है फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक, और हम यहाँ पर टेस्ट करना चाहेंगे फिंगरप्रिंट। ये देखिए, ये मेरा फ़ोन लॉक है, ये मैंने लगाया फिंगर और ये हो गया अनलॉक। ये मैंने लॉक कर दिया, अगेन लगाया फिंगर, ये हो गया मेरा फ़ोन अनलॉक। या हम कह सकते हैं इसका जो फिंगरप्रिंट है वो परफेक्टली काम कर रहा है। और अगेन हम बात करेंगे इसके फेस अनलॉक की, या अगर हम फेस अनलॉक की बात करें, ये मैंने लगाया लॉक और ये फ़ोन मेरा खुल गया, या फेस अनलॉक भी साथ साथ अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इसमें आपको मिलता है रियलमी का UI 2.0 बेस्ड ऑन 11 एंड्रॉयड वर्जन। अब हम दिखाते हैं आपको म्यूजिक, एंड अब प्ले करते हैं एक यूट्यूब वीडियो, आपको दिखाते हैं क्लियरिटी जस्ट फॉर 5 सेकेंड। आई थिंक परफेक्ट क्वालिटी है। जब आप फ़ोन को परचेज करते हैं दोस्तों, इसमें आपको मिलते हैं कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप। अगेन दोस्तों इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो 10,000 rupees आई थिंक कंपेयर टू अदर कम फोन्स, ये एक अच्छी क्वालिटी हो सकती है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट मैं अगेन कहना चाहूँ, और भी कंपनीज हैं जिसमें आपको इस प्राइस रेंज के अंदर इसे बेटर ऑप्शन मिल जाता है। बट अगेन अगर आप प्लान कर रहे हैं इस फ़ोन को ख़रीदने का, तो दोस्तों 10,000 rupees के प्राइस रेंज के अंदर ये फ़ोन ज़्यादा बुरा नहीं है। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा, इस फ़ोन में आपको कई बार लाइक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड पे 1,000 rupees तक का प्राइस ऑफ मिल जाता है, मे भी कई बार 500 rupees का होता है। तो प्लीज़ ख़रीदने से पहले आप प्राइस इसका चेक कर लें। ये मे भी 9,000 and 9,500 में आपको 4GB 64GB मिल सकता है। अगेन इस प्राइस रेंज के अंदर आपको अगर 6000 mAh का बैटरी, G70 का प्रोसेसर, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक एंड कैमरा क्वालिटी, जिस हिसाब से मैंने इस फ़ोन को रिव्यू किया है, जिस हिसाब से मैंने इस फ़ोन को एनालाइज किया है, आई थिंक ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।